दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। और आज हम करने वाले हैं ट्रैक बढ़िया सी। अभी फिलहाल हम जाने वाले हैं लोहारका लेक में। ये बाहर लिखा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे मैंने जगह का नाम दिया है टिपरी फॉल। और टिपरी फॉल वैसे कहीं और है शायद, किसी को मुझे बताया था। अगर टिपरी फॉल जानते तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं वहाँ भी जाऊँगा। और अभी फिलहाल चलिए अपनी ट्रैक शुरू करते हैं। आज मेरे साथ मेरा एक दोस्त है प्रज्वल भट्ट, जो सुबह सुबह उठ के कॉलेज से हॉस्टल से दूर आया है यहाँ मेरे साथ ट्रैक करने, क्योंकि ये फोटोग्राफी का काफ़ी शौकीन है, मेरे जैसा ही है बिल्कुल। बाकी अभी ये भाई साहब थोड़े पछताने वाले हैं। चलिए आगे जैसा जिसको करेगा मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं, आधा रास्ते पहुंच चुके हैं फिलहाल। और हालत जो है बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि गलती से मैं गलत ट्रैक पे चला गया था। हमें नीचे आना था पर मैं ऊपर चला गया था, तो कोई नहीं, वापस आ गए, दोबारा नीचे आए हैं, अब पूरा जाएंगे। और कल यहाँ काफ़ी तगड़ा तूफान आया था देहरादून में, और उसकी देख ही सकते हैं आप, उसने क्या विध्वंस मचाया है। यहाँ पूरे पेड़ वगैरह गिरा दिया है। अभी बड़ी मुश्किल से हम वो पार कर गए हैं। इसकी हालत कैसा लग रहा है भाई? मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा, थक गया सर ने। थक गया है, अभी से ही थक गया। चलो इसे और थकाते हैं। दोस्तों, अभी पहुंच चुके हैं हम झरने के निचले हिस्से में। यहाँ पर एक पुल है, तो यहाँ अभी थोड़ी देर रुक के हम रेस्ट कर रहे हैं, मज़ा आजा पियेंगे। और एक मिनट रुको, आगे कैमरे से दिखाता हूँ। जहाँ तक जान का सवाल है, काफ़ी जान निचुक चुकी है शरीर में से, बहुत थकान लग रही है, थकान नहीं लग रही, और मज़ा बड़ा आ रहा है यहाँ पहुँच के। और मेरी आपको एक सलाह है बहुत बड़ी, किसी ट्रैक वगैरह या ऐसी कहीं भी एक्टिविटी में जाए, कृपया चप्पल पहन के मत जाएं। मुझे बताया नहीं कहाँ, ठीक है। दोस्तों, ये देखिए, ये एक टेड पोल है, यहाँ एक छोटे से पिट में इकट्ठा हो रखा था, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह के दिखते हैं, कितने छोटे होते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। फिलहाल इसे जाने देते हैं। अच्छा नहीं लगेगा यार मुझे। दोस्तों, तो ये है वो लेक क्या झरना है ये, मैं इसे टिपरी फॉल बोलता हूँ लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं इसको लारका लेक। तो ये देखिए नीचे है वो, बहुत ही सुंदर जगह है, इतना बढ़िया वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है, ऊपर हो सकता है कोई झील हो या नदी हो, पर अभी और ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा जो दोस्त है मेरे साथ आ रखा है प्रज्वल, ये मुझे मना कर रहा है ऊपर जाने से। बाकी पिछली बार जब मैं आया था करीब 2 साल पहले, तब तो हम नीचे नहाए थे, लेकिन इस बार मैं जाने का रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि उस टाइम मैं बड़ी मुश्किल से वापस ऊपर चढ़ के आया था, और नीचे इस बार चेतावनी भी लिखी गई है काफ़ी सारी, तो फिलहाल मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, थक भी गए हैं काफ़ी, इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। पर वीडियो में आपको जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे।
बंदर दोस्तों, इस वक्त बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत ही बढ़िया जगह पर पहुंच चुका हूं। आप जैसा कि मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितना बढ़िया फॉल है यहाँ पे। जगह देखो आप, बहुत बढ़िया है, नेचर के पास बिल्कुल। अगर आवाज़ ढंग से ना आ रही हो तो माफ़ करना, मैं माइक्रोफोन नहीं ला पाया, अभी माइक नहीं लाया हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी ऊपर तक क्लाइम करना पड़ा है और इतना ऊपर में ज़्यादा सामान हो जाता है, इसलिए मैं लेकर नहीं आया। फिलहाल आप ये देखो, यह है झरना। पानी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मजा आ रहा है, मन तो कर रहा है डुबकी मारूं, अगर मारूंगा दिखाऊंगा जरूर। वेलकम बैक गाइस। तो अभी कुछ ऐसा हुआ था सुबह, जितना भी अभी तक आपने वीडियो देखा, उसके बाद हम वापस नीचे आए पहाड़ से उतर के, एंड उसके बाद थोड़ा मन कर गया कुछ और करने का। गर्मी बहुत हो रही थी एक्चुअली, तो हम पास ही जो सहजधारा का पूल है ब्लू रेवन, जिसकी मैंने पहले भी वीडियो डाली है, वो हम वहाँ चले गए थे, एंड वहाँ हमने स्विमिंग वगैरह की, और स्विमिंग करने के बाद खाना खाया, जिसके बाद हम इतना थक गए उसके बाद हिलने का मन नहीं किया, तो हम लगभग 1 बजे तक दिन के वहीं पर थे। ठीक 1 बजे के बाद हमने दोबारा लंच किया, उसके बाद हम कैनन के शोरूम गए। कैनन के शोरूम में एक्चुअली अपना ड्रोन दिखाने गया था, उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी, पर जो वहाँ के मेन बॉस हैं या जिन जो ओनर है वो वहाँ नहीं थे, तो वो ड्रोन का आज कुछ हो नहीं पाया। वैसे उन्होंने मुझे कल कहा है कि आप कल आ जाइए, कल हम देख देंगे आपका ड्रोन, तो कल वो ड्रोन मेरा देखेंगे। और फिलहाल कैनन के शोरूम से आज मैं ये लेके आया हूँ, ये कैमरा क्लीनिंग किट, ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। ये एक ये ब्लोअर होता है और ये ब्रश वगैरह है डस्ट को साफ करने के लिए। मेन ये है, मेरे घर के आसपास काफ़ी धूल उड़ती है और घर में रोज़ धूल जमा होती रहती है, तो कैमरे में काफ़ी ज़्यादा धूल लग चुकी है अभी से ही। अगर इसे देखा जाए तो बहुत धूल है, मैं रोज़ इसे साफ करता हूँ पर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, क्योंकि कई कई जगह फंस जाती है धूल। बाकी इससे अभी फ़िलहाल तो मैं कैमरा साफ करूँगा, और आज दिन में जब मैं आया तो बहुत नींद आ रही थी, थकान इतनी हो गई, कूलर लगाया आराम से और मैं सो गया अच्छे से, और अभी उठा हूँ मैं थोड़ी देर पहले 7:30 के आसपास, अभी फ्रेश होके आया था, एंड अब मैं ये वीडियो एडिट करूँगा रात भर बैठ के, और कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको जगह पसंद आई हो जो आज मैं दिखाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन गाइस, प्लीज़ सपोर्ट अस, गुड बाय।